शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने ये जो एक शेर की कुछ दो लाइनें सुनी हैं, ये हमारे देश के जो शहीद हैं उनको समर्पित की गई है और उनके लिए ही ये लाइनें गढ़ी गई हैं, क्योंकि देश में जो शहादत देने वाले हमारे शहीद हैं वो हमारे लिए हमेशा सर्वमान्य रहे हैं। और आज अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत का दिन है। आज 27 फरवरी है और पूरे देश में आज उनकी शहादत को प्रणाम किया जा रहा है। उनके विषय में कई जगह व्याख्यान हो रहे हैं, कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, हर स्तर पर उन्हें किसी न किसी रूप में शहादत को, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनकी शहादत को आज वापस लोगों के बीच में लाया जा रहा है। देवास जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, इस शहर में भी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगी हुई है। अच्छी बात है प्रतिमा शहीदों की लगाना, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलता है कि हमारे देश की जो हमें शहादत, हमारे देश में जो हमें आज़ादी मिली है वो कितने शहीदों की शहादत के बाद हमें मिली है। आज सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ देवास में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा तो लगी हुई है, लेकिन वो जो प्रतिमा लगी हुई है वो उसके जस्ट पास में सुविधा घर है। सुविधा घर का मतलब शौचालय, शौचालय जहाँ पर लोगों का डेली रोजाना आकर अपने जो अपना अंतिम कार्य जो रहता है, सुबह उठते ही जो उनका कार्य रहता है वो लोग कार्य करते हैं। अभी बताएं कि एक जो देश के लिए लोग के लिए जिन्होंने शहादत दी है, देश के लिए जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया है, क्या उनकी प्रतिमा का स्थान ऐसी जगह पर होना चाहिए, इतने करीब होना चाहिए? आज देश के जितने भी शहीद हैं उनकी प्रतिमा का स्थल, चाहे शहीदों के अलावा भी आप देखें दूसरे जो सामाजिक लोगों की प्रतिमाएं लगती हैं, उनके लिए एक व्यवस्थित जगह होती है, अच्छा स्पेस होता है, तो क्या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के लिए यही जगह मिली है? क्या उनको यहीं पर उनकी प्रतिमा को लगाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और हम सब लोगों को विचार करने वाली बात है।